अस्सलाम वालेकुम, अपना वरी में खुश आमदीद। बादलों की गरज चमक है और मौसम भी इस वक्त बहुत साफ़ हुआ हुआ है। मरी के अंदर जो है वो ख़ास तौर से इस एरिया इलाके में इस वक्त मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। सामने न्यू मरी की जो एरिया है वो आपको नज़र आ रहा है। सुबह गर्मी थी, मौसम सख्त था, धूप थी बहुत तेज़, लेकिन फिर अचानक ही मरी का मौसम जो है वैसे ही करवट बदलता एकदम, और फिर तकरीबन 12 बजे के बाद जो है मौसम एकदम करवट बदली है इसने। बादलों के गरजने की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीलॉग बना के तो आपको भी क्या मौसम है ये भी दिखाऊं। सामने भाई का जो घर बन रहा है उसकी शटरिंग का काम आज शुरू हुआ हुआ है। शटरिंग का काम घर पहले शुरू हो गया था, लेकिन आज जो है उसके जो पिलर हैं और उसके जो बीम हैं उनको फिल किया जा रहा है। वो भी थोड़ी देर में चलता हूँ उधर और आपको करीब से वो भी दिखाता हूँ कि वहाँ क्या प्रोग्रेस है आज। मरी में जब कभी भी आप लोग विजिट करें दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। एक छतरी अम्ब्रेला आपके पास होनी चाहिए हर वक्त, क्योंकि मौसम यहाँ करवट बदलता है, घंटे में कुछ और होता है और अगले घंटे में कुछ और होगा। एक एरिया में आप हैं तो वहाँ मौसम कुछ और है, अगले एरिया में जाएंगे मौसम बिल्कुल चेंज हुआ हुआ होगा। और दूसरा जैकेट, अपर या कोई गर्म कपड़ा अपने साथ लाजमी रखें। ये जो सामने दरख्त है ये अखरोट वॉलनट का दरख्त है। काफ़ी ज़्यादा अखरोट अभी भी खैर इसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये मैं दिखाने का मकसद आपको जो है ना ये नीचे ज़मीन के ऊपर देखें, ये बहुत ज़्यादा अखरोट जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, गिर गए नीचे। एक अभी अपनी रॉ शेप में थे, कच्ची शक्ल में थे और गिर गए नीचे। और इसकी रीज़निंग जो है, सबसे बड़ी वजह जो है इसकी, वो यहाँ पे जो हेल स्टॉर्म आते हैं बार बार आते हैं, आज दिन को भी बल्कि आया है तकरीबन जोर के टाइम पे, 1:30 का टाइम था, तो उस वक्त भी जो बारिश हो रही थी बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो उसके साथ जो है वो ओले भी पड़े हैं। तो उससे पहले जो बड़ा हेल स्टॉर्म आया था उसने तो बहुत तबाही चढ़ाई है, जो फल फ्रूट जितना था यहाँ पर वो तकरीबन तबाह हो गया सारा। तो वैसे मेरे पीछे एक चीज़ थी, मैंने सोचा चलो आपको ये भी दिखाऊँ। अब ये जो नीचे जो दरख्त लगा हुआ है, ये बड़ा दरख्त, ये खुबानी का है और इसकी भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। अब इसके साथ तो तकरीबन फल ख़त्म ही हो गया और वो भी हेल स्टॉर्म के दरमियान जो आया था उसके दरमियान ये सारा कुछ तकरीबन इसके साथ जितना फल लगा हुआ था गिरा दिया था नीचे। कोहाला रोड, सिरबगला यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल ऑफिस, ये जगह नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच, अपना मरी को देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में मज़ीद जैसे जैसे यहाँ मौसम करवट बदले आपको साथ साथ कुछ ना कुछ बना के दिखाता रहूँ। इन वीडियोस को अपने जान पहचान वाले अपने सोशल सर्कल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना अपने चाहने वालों का अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।